हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बिना सुपर क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 7 के हमारी दुनिया भूगोल में पार्ट 5 का प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पार्ट का नाम है बिना पानी सब सुन। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए लाल कलर सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चौथे पार्ट का प्रश्नोत्तर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। आइए हम लोग पहला प्रश्न देख लेते हैं। पानी के कौन कौन से स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, इसका उपयोग क्या है। हम लोग उत्तर देख रहे हैं। पानी के निम्नलिखित स्रोत है, 1 नंबर में भूजल, 2 में नदियां, 3 में तालाब, 4 हिमालय पर जमे बर्फ, 5 समुद्र का जल, 6 झरने। हमारे पृथ्वी पर पानी का सबसे बड़ा स्रोत समुद्र है, इसका उपयोग हम लोग व्यापार में करते हैं। समुद्र से देश विदेश से व्यापारिक सामान मंगाया और भेजा जाता है। समुद्र के जल से नमक बनाते हैं। समुद्र में मछलियाँ मिलती हैं जो मछुआरों को रोजी और मांसाहारी को भोजन देती है। समुद्र से कच्चा तेल निकाला जाता है। इसके साथ साथ बहुत से बहुमूल्य वस्तुएं भी समुद्र में पाई जाती है। हम लोग प्रश्न दूसरा देखते हैं। जमीन के नीचे का जल स्तर दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, इसे बनाए रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। हम लोग उत्तर देखते हैं। जमीन के नीचे का जल स्तर दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, इसे बनाए रखने के लिए हम तालाब पोखरों का निर्माण करेंगे। खेत में खाली पड़े जगहों पर भू जल सोखता बनवाएंगे, सबसे बरसात का पानी नीचे जा सके, आवश्यकता अनुसार ही खेतों में सिंचाई करेंगे। और प्रश्न तीसरा देखते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में जल का कहां कहां एवं कितना उपयोग करते हैं, सूची बनाइए। इनमें कहां कहां मितव्यता बरतकर इस उपयोग को कम कर सकते हैं। हम लोग उत्तर देखते हैं। सुबह सबसे पहले सवेरे शौच में 5 से 6 लीटर आदमी पानी खत्म करता है। स्नान में 8 लीटर से 9 लीटर पानी, कपड़ा साफ करने में 18 से 19 लीटर पानी, पीने में 3 से 4 लीटर पानी, जानवरों को नहलाने में 25 से 30 लीटर पानी। इनमें से हम नहाने कपड़ा साफ करने में कुछ बचत कर सकते हैं। इसके साथ साथ जानवरों को नहलाने में भी पानी की बचत कर सकते हैं। आइए हम लोग प्रश्न चौथा देखते हैं। यदि आपके घर में 2-3 दिनों तक पानी न रहे तो सोचिए और सूची बनाइए कि आपको क्या क्या परेशानियाँ होंगी। हम लोग उत्तर देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे पानी पीने की में कठिनाई होगी, इसके बाद शौच की परेशानी होगी, पानी नहीं रहने के कारण हम नहा भी नहीं पाएंगे, भोजन बनाने के लिए कहीं दूर पानी कुएं या हैंडपंप से पानी लाना पड़ेगा, उसी पानी से बर्तन भी साफ जाएगा, कुल मिला जुला कर काफी कठिनाई होगी। हम लोग प्रश्न पांचवा देखते हैं। जल के वितरण को स्पष्ट कीजिए, जल का संरक्षण आवश्यक है, कैसे और क्यों। हम लोग उत्तर देखते हैं। पृथ्वी पर जल का वितरण असमान रूप से है, कहीं पर पानी का भंडार है तो कहीं पानी ही नहीं है। समुद्र में जल का सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन उस पानी का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह बहुत ही खारा होता है। पीने योग्य पानी में पहाड़ों पर जमे बर्फ, झीलों, तालाब एवं पोखरों के साथ साथ भूमिगत जल का उपयोग करते हैं। इस जल का उपयोग हम लोग खेती में सिंचाई के लिए करते हैं। हमें जल का संरक्षण करना चाहिए क्योंकि जल हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। जल बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमें जल के संरक्षण के लिए पोखरों, तालाबों का निर्माण करना चाहिए, वर्षा के जल का संरक्षण करना चाहिए। हम लोगों को भूमिगत जल का उपयोग सीमित मात्रा में तथा आवश्यकता हो तभी करनी चाहिए। हम प्रश्न छठा देखते हैं। भारत में मीठे पानी की झीलें कहाँ कहाँ है, पता कीजिए कि ये किस राज्य में व्यवस्थित है। हम लोग उत्तर देखते हैं। भारत में मीठे पानी की झीलें निम्नलिखित है, 1 नंबर डल झील श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में है, 2 नैनी झील ये जो कि हमारे उत्तराखंड में पाया जाता है, 3 नंबर में कावर झील ये जो कि बेगूसराय बिहार में है, 4 नंबर में बरेला झील ये जो कि लखीसराय ये भी बिहार में है, इसके साथ साथ बुलर झील, पिछौला झील, लूनर झील, कोरूल झील, फतेह सागर झील आदि मीठे पानी की झीलें हैं। हम लोग प्रश्न सातवां देखते हैं। ज्वार भाटा क्या है, ये किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। हम लोग उत्तर देखते हैं। समुद्र का पानी जब ऊपर उठे तो ज्वार और जब नीचे गिरे तो उसे भाटा कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। महीने में 2 बार ज्वार भाटा आता है। जब जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आती है तो दोनों के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में बड़े बड़े ज्वार भाटा आता है। हम लोग प्रश्न आठवां देखते हैं। जल चक्र किसे कहते हैं। हम लोग उत्तर देखते हैं। पृथ्वी पर का जल जल का वाष्प बनकर ऊपर उठता है, फिर बादल के रूप में संघनित होकर वर्षा होती है जिसके कारण पृथ्वी पर जल की प्राप्ति हो जाती है। यही प्रक्रिया बार बार होता है जिसे जल चक्र कहते हैं।
हम लोग प्रश्नवा देख लेते हैं, समुद्र के जल में तैरना मुश्किल है क्यों? हम लोग उत्तर देख लेते हैं, समुद्र के जल में हमेशा तरंगे उठती और गिरती रहती हैं, जिसके कारण तैरने वालों को परेशानी होती है, वह ढंग से तैर नहीं पाता और समुद्र में डूब जाता है। हम लोग प्रश्न 10वां देख लेते हैं, समुद्र का जल खारा होता है और क्यों? हम लोग उत्तर देख लेते हैं, समुद्र का जल इसलिए खारा होता है क्योंकि उसके जल में नमक घुला होता है। नदियों से विभिन्न पदार्थ पानी की सहायता से समुद्र में पहुंचते रहते हैं, पानी के विभिन्न पदार्थों के साथ नमक भी होता है, समुद्र में वाष्पीकरण बराबर होते रहता है, इस कारण पानी तो उड़ जाता है और नमक एकत्र होते रहता है। यह प्रक्रम लाखों लाख वर्ष से रहा है, फलतः समुद्र में पर्याप्त नमक एकत्र हो गया। हम लोग प्रश्न 12वां देखते हैं, भूगर्भीय जल स्तर में कमी आ रही है क्यों? हम लोग उत्तर देखते हैं, हम लोग भूगर्भीय जल का उपयोग लगातार कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कल कारखानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण कारखानों में जल की खपत बढ़ती जा रही है, नगरों में पाइपों द्वारा जल का वितरण होता है, लापरवाही से नलकों को खुला छोड़ देते हैं, वहां पर जल की बर्बादी होती है, उधर दूसरी तरफ पोखरों तालाबों की संख्या लगातार घटती जा रही है, लोग नदी नालों को पाटकर मकान बनाते जा रहे हैं, जिससे भूमि जल का स्तर नीचे गिरता रहा जा। हम लोग प्रश्न 13वां देखते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे? हम लोग उत्तर देखते हैं, वर्षा के पानी को एकत्र कर किसी प्रक्रिया द्वारा जमीन के अंदर पहुंचाकर हम वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। वर्षा जल को छतों पर एकत्रित कर पाइपों के सहारे जमीन में जलस्तर तक पहुंचाया जा सकता है। गांवों में गड्ढा तालाब आदि को खोदकर उसमें वर्षा जल एकत्र करेंगे, इससे धीरे धीरे इसका पानी जलस्तर तक पहुँचता रहेगा, यही प्रक्रिया वाटर हार्वेस्टिंग कहलाती है। हम लोग प्रश्न 14वां देखते रहते हैं, ज्वार भाटा से क्या क्या लाभ है और नुकसान है, सूची बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। हम लोग उत्तर देखते हैं, ज्वार भाटा से लाभ के साथ साथ कुछ हानि भी होती है। हम लोग पहले ज्वार भाटा से लाभ देखते हैं, मछलियां समुद्र के किनारे आ जाती है, शंख सीपी घोंघा एवं कुछ बहुमूल्य वस्तुएं भी मिलती है, इसके अलावा आंतरिक पत्नों तक जहाज आ जाते हैं। ज्वार भाटा से नुकसान देख लेते हैं, हम लोगों के सामान बाहर ले जाता है और लोग भी पानी में बह जाते हैं। हम लोग प्रश्न 15वां देखते हैं, सही विकल्प सही का निशान लगाइए। हम लोग इसमें पहला देखते हैं, पृथ्वी पर जल मंडल का हिस्सा है, क 51 ख 41 ग 71 घ 29, समाज सही इसमें ग 71। हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं, चाय की ओर बढ़ता है यह स्थिति कहलाती है, क भाटा ख ज्वार ग ग्रहण घ तरंगे, हमारे जो सही इसमें ख ज्वार। हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन झील है, क काला सागर ख लाल सागर ग फतेह सागर घ अरब सागर, हमारा जो सही इसमें घ अरब सागर। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।